की नींद में चलने की बीमारी। आरती की शादी सुंदर नगर के एक परिवार में हुई। वो अपने पति जगदीश और सास ससुर के साथ रहती थी। आरती को नींद में चलने की बीमारी थी। एक बार रात को जब सभी घर वाले सो रहे होते हैं, तब जगदीश की आंख खुलती है और वो देखता है कि आरती बिस्तर पर नहीं सो रही। अरे ये आरती कहाँ चली गई? जगदीश आरती को ढूंढने कमरे के बाहर जाता है। पूरे घर में ढूंढता है पर आरती कहीं नहीं मिलती। जगदीश को उसकी चिंता हो जाती है। इतनी रात को कहाँ जा सकती है आरती? तभी उसके पीछे कोई चल रहा होता है। जगदीश पीछे मुड़ता है और एकदम से चौंक जाता है। वहाँ आरती खड़ी होती है। आरती क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? आरती जाकर सोफे के चक्कर लगाने लगती है। अरे क्या हो गया इसको? जगदीश भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अरे सुनो तो, तुम सोफे के चक्कर क्यों काट रही हो आरती? आरती आरती कुछ नहीं कहती। जगदीश को सोफे के चक्कर काटते हुए चक्कर आने लगते हैं। मेरा तो सर ही घूम गया। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते वक्त जगदीश आरती से रात के बारे में पूछता है। आरती कल रात तुम्हें क्या हो गया था? क्यों जी, मुझे क्या हो गया था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी। अरे मतलब कल रात क्या हुआ था, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आरती? नहीं तो क्या याद करना है, पहले वो तो बताइए। खुद भी लेट हो रहे हैं और मुझे भी बातों में उलझा कर रखा है। मैं जा रही हूँ रसोई करने, बहुत काम पड़े हैं। आरती रसोई में चली जाती है और जगदीश सोच में पड़ जाता है। अगली रात आरती की सास रसोई में पानी पीने के लिए जाती है और तभी किसी को चलता देख एकदम से डर के चिल्लाती है। आरती की सास देखती है कि आरती रात के 3 बजे खाना बना रही है, पर उसे बिल्कुल भी होश नहीं है। उसकी सास ये भी देखती है कि पूरी रसोई में सब कुछ फैल रखा है। अरे बहू, तू इतनी रात को खाना क्यों बना रही है और ये रसोई इतनी गंदी क्यों कर रखी है? आरती कुछ नहीं बोलती और नींद में सब्जी काट रही होती है। उसकी सास उसे आवाज लगाती है पर वो सुनती ही नहीं। अरे सुना नहीं क्या तूने बहू, कौन सफाई करेगा इस रसोई की? सुनाई नहीं देता और उसकी नींदा खाना बनाते बनाते अपने कमरे में चली जाती है। जगदीश आरती को आवाज दे रहा होता है पर वो मिल ही नहीं रही होती है। तभी उसकी सास आती है। क्या हुआ बेटा, कहाँ है बहू? पता नहीं माँ, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ लेकिन कहाँ चली गई समझ में नहीं आ रहा। सास की नजर खुले दरवाजे पर पड़ती है और पूरे घर पर भी पड़ती है। ये घर की हालत ऐसी किसने कर दी? मुझे तो लगता है ये बहू का ही काम है, कल रसोई भी उसने ऐसी ही गंदी कर रखी थी। पर माँ वो है कहाँ, उसका फोन भी कमरे में ही है। मुझे लगता है कि ये मंदिर गई होगी, आ जाएगी बेटा तू चिंता मत कर। अरे देख तो घर कितना गंदा पड़ा है, चल सफाई में लग जा मेरे साथ। जगदीश और उसकी माँ पूरे घर की सफाई करते हैं और बहुत वक्त बीत जाता है पर आरती का अभी भी कुछ पता नहीं होता। जगदीश भी
का कुछ पता चला? नहीं मम्मी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। एक काम करते हैं बेटा, पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ माँ, सही कह रही हैं। चलिए। स्टेशन नहीं, डॉक्टर के पास चलना चाहिए। जगदीश, आरती को डॉक्टर।